हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी कक्षा छठवीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग बात कर चुके थे, पांच चैप्टर आपके खत्म कर चुके थे। छठवां चैप्टर है हमारा हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर के परिवर्तन। याद रखिए, आपके जितने भी चैप्टर खत्म होते जा रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी के पूर्ण कवरेज के नाम से, जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ। और अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग एक देख चुके हैं, हमारा अतीत भाग एक देख चुके हैं, पृथ्वी हमारा आवास देख चुके हैं, और ये लास्ट बुक से आपकी कक्षा छठवीं एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी कल्पना कीजिए कि यदि हम आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादुई का प्रयोग करके बदल सकते हैं? देखिए, गुब्बारे को, समझ रहे हैं? बिस्तर हो, रंग, अपना गेटअप, ठीक, इस तरह की। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समानुसार समय अनुसार बदलती रहती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं, सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के बढ़ने के साथ आपको वजन भी बढ़ता है आपका। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपको के चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या कुछ परिवर्तन के साथ साथ समूह में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। अब मुझे खुद समझ में नहीं आता है यार कि क्या तुम्हें इस चैप्टर में समझाऊं, क्योंकि इतने नॉर्मल शब्द लिखे गए हैं, एक कहानी की तरह लिखे गए हैं, और जो टर्म्स होता है उसकी मतलब परिभाषा दे देते हैं उसी कहानी में। तो अगर एक दो बार आप स्वयं पढ़ते हैं या देखते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी है उनमें दिमाग ज्यादा लगाना ही नहीं आपको। ठीक है, एक दो बार पढ़ना है, खत्म कर। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी बरतिए कि वह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दें। इस तरह एक कागज का टुकड़ा लें, इसके आप उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें, इस तरह। ठीक है, इससे कागज के टुकड़ा खिलौना खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो जाता है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। गूंदे गूंदे हुए आटे की एक लोई बनाइए, इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए, शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे, इस तरह। अब आपने क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो परिवर्तन देखे हैं उसके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया था उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हें क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं हम लोग। उस गुब्बारे को लीजिए
जिसका क्रियाकलाप एक में उपयोग किया है हमने, उसको उसके ऊपर आमाप लाइए, उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए, गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। अब वो क्रियाकलाप फाइव, वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे आपने क्रियाकलाप दो में प्रयोग किया था, उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए इस तरह। अब क्रियाकलाप सिक्स, गूंधे हुए आटे की लुई को से रोटी वे बेलकर उसे तावे पर सेंकिए। यदि आपसे वही तीन प्रश्न पूछे जाएं जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप तीन करने के बाद दिए थे, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे? हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप चार पाँच छः में हुए उनको वापस नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? आप कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? साइनिट 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन देखे गए। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा कि परिवर्तनों का वर्गीकरण का एक तरीका है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। हाँ, हो सकता है कच्चे अंडे से उबला कर सकते हैं ना। गाढ़े घोल से इडली बनाया जा सकता है, गीले कपड़े से सूखे कपड़े होंगे, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर बनेगा, अनाज से बनाया गया आटा हो सकता है, ठंडे दूध से गर्म दूध किया जा सकता है, सीधी डोरी से कुंडली डोरी, कली से फूल, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस हो सकता है। ठीक है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है इस तरह? अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें देखते होंगे सभी। ठीक, इन औजारों में लोहे के फलक में एक बलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतः इस बलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को बलय में फंसाने के लिए बलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब बलय ठंडा होता है बलय तो सिकुड़ जाता है जिससे यह हत्थे पर कस जाता है। इस प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे के रेम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रेम को लकड़ी के पहिए के घेरे में थोड़ा सा छोटा बनाते हैं, गर्म करने पर रेम पहिए इस तरह चढ़ जाता है। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है, पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अध्याय 5 में हमने क्रियाकलाप में 7 में आपने देखा कि जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है, गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ परिवर्तन और देखते हैं। एक छोटी सी मोमबत्ती ले लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं, कुछ समय बाद इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें,
पुनः उसकी लंबाई मापें। इस तरह क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करके करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह से जल जाए, जले प्रतीक्षा करें। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया जाए? अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो, तब होने वाले परिवर्तन इस प्रकार होंगे। अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 में क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त कर किया था। इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा में मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर वस्तुओं को परिवर्तन करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव कि है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारे चारों ओर परिवर्तन को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है और परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अपनी उच्च कक्षा में इस परिवर्तन को करने की विधियों के बारे में, उनके वर्गीकृत करने के बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है, आगे की कक्षाओं में। तो इसमें आखिरकार हमारा सारांश क्या निकला है कि हम लोगों ने क्या क्या जाना है? परिवर्तन जाना है, शब्द की परिभाषा जानी है, संकुचन की परिभाषा जानी है, वाष्पन की परिभाषा जानी है, पिसार जाना है, गलन जाना है, ठीक है। कहानी के रूप में इन शब्दों की परिभाषा समझाई गई है। इस पाठ का आखिर सारांश क्या है? कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाया जा सकता है। ये आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, ठीक। और फिर टेलीग्राम पर जो आपकी पीडीएफ डली है उसे डाउनलोड कर लें, उसे अपने पास रख लें, ठीक है। चाहे फिर निकलवा लें आप लोग प्रिंट आउट उसका, जैसी आपको अच्छा लगे जैसा भी। तो ये था आपका 6वां चैप्टर। आगे हम लोग जानेंगे पौधों को जानेंगे, ठीक।